नमस्कार, स्वागत है सभी का बाजार की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजार की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर हम कमोडिटी बाजार के बारे में। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन कमोडिटी बाजार का लास्ट वर्किंग डे होता है, तो जानेंगे कि कमोडिटी बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के आखिरी कारोबारी घंटे में कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है और आगे क्या संभावनाएं बन रही हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहां पर सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं आज काफ़ी दिनों के बाद हल्की सी रौनक लौटी है, कुछ हल्का सा उछाल आया है, ज़्यादा खास तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है। गोल्ड देख रहे हैं कि इस समय $1,843 पर ट्रेड कर रहा है और सिल्वर $22 पर। आपको बता दें कि मार्केट में ऐसे सेंटिमेंट्स बने हैं कि जिस हिसाब से पूरे विश्व में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है और जो कमोडिटीज़ हैं उनके जो प्राइसेस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उससे पूरे विश्व में मंदी आने की आशंका है। ऐसी आज सेंटीमेंट्स बने हैं मार्केट के अंदर और उन सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंगली ही आज सोने और चांदी के जो प्राइसेस हैं उनमें एक हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। उसी के अकॉर्डिंग जो गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं वो आज रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। होता ये है कि जब भी कोई आपदा वाली सिचुएशन आती है या फिर ऐसी बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं मार्केट्स के अंदर, तब तब सोने चांदी को एक सेफ हेवन डिमांड सेफ हेवन के तौर पर समझा जाता है, सुरक्षित निवेश मांग सोने चांदी की निकलती है। वही सिलसिला आज हमने यहां पर सोने चांदी में होते हुए देखा है। सोने चांदी में आज हल्की सी बढ़त इसी कारण बनते नजर आई है। तो जिस दिन जैसा सेंटीमेंट रहेगा मार्केट में उसी दिन वैसे ही गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट करते नजर आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही इनके प्राइसेस देखने को मिलते हैं। बात करेंगे यहाँ से अब कच्चे तेल की। तो WTI देख रहे हैं $109 पर ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $112 पर। आपको बता दें कि कच्चे तेल में भी यहाँ पे हल्की सी बढ़त आई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $112 पर है और WTI में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। रशिया भी अब बाकी देश जैसे रशिया पर बैन लगा रहे हैं, तो रशिया ने भी काफ़ी देशों पर बैन लगाया है कि वो पर्टिकुलर्स कंट्रीज को अपने क्रूड का निर्यात नहीं करेगा, सप्लाई नहीं देगा क्रूड की। दूसरा, जो देश ऐसे कह रहे थे कि वो अपना खुद का कच्चे तेल का उत्पादन करेंगे या फिर अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से ऑयल रिलीज करेंगे, तो ऑयल रिलीज तो वो कर चुके हैं, लेकिन हर देश सक्षम नहीं है कि वह कच्चा तेल हमेशा के लिए ही अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से जारी करता रहे, और ना ही किसी देश के पास इतना रिजर्व है अनटिल और अनलेस वो खुद एक कच्चे तेल का उत्पादक देश क्यों ना हो। भारत के पास भी स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व है, भारत सरकार भी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से क्रूड ऑयल जारी कर रही थी, लेकिन भारत कच्चे तेल का उत्पादक नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी करी। और अब जब विश्व में फिर से कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो एक बार फिर से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कच्चे तेल के जो दाम हैं बढ़ सकते हैं और इसी के चलते पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं भारत में उनमें तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभी बीते कुछ सप्ताह पहले ही, कुछ एक डेढ़ महीना पहले ही भारत सरकार ने रशिया से भारी डिस्काउंट पर कच्चे तेल की खरीदारी करी थी। और अगर अब ऐसे समय में जब भारत सरकार को पहले के मुकाबले ज़्यादा सस्ते दामों पर कच्चे तेल खरीदने का मौका मिला और भारत सरकार ने खरीदा भी, ऐसे समय में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ये सरकार पर सवाल होगा आम जनता का कि जब सरकार को सस्ते दाम पर कच्चा तेल मिल रहा है तो सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ने दिए, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े हैं। क्योंकि रशिया तो भारत को सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल दे रहा है, तो फिर भारत में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए पेट्रोल और डीजल के दामों में, ऐसा आम जनता का सवाल आगे खड़ा हो सकता है। बात करेंगे यहाँ से अब बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में देख रहे हैं कॉपर में यहाँ पर आज हल्की बढ़त है, $4.3 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शंघाई फ्यूचर्स में जो इन्वेंट्रीज हैं वो थोड़ी फॉल हुई हैं, कॉपर की जो इन्वेंट्रीज हैं वेयर हाउसेज में उनमें थोड़ा फॉल देखने को मिला है, थोड़ी कमी देखने को मिली है पिछले हफ्ते के मुकाबले, जिसकी वजह से कॉपर में आज यहाँ पर हम हल्की बढ़त बनते हुए देख रहे हैं। जिंक देख रहे हैं 323 पर ट्रेड कर रहा है, 1% की बढ़त है। MCX निकल 2180 पर है, 4% की बढ़त है। MCX लेड देख रहे हैं $182 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि आज निचले स्तर से खरीदारी लौटी है। बेस मेटल्स का बाजार आज कुछ हल्की चमक के साथ कारोबार करता नजर दिख पाया है।
आपको बता दें कि जिस हिसाब से चाइना धीरे धीरे लॉकडाउन से लौट रहा है, चाइना की सरकार ने लॉकडाउन में कुछ प्रतिबंध में ढील दी है कि जो बैन लगे हुए थे लॉकडाउन के चलते आवाजाही प्रभावित थी उसमें थोड़ी ढील दी गई है, थोड़े बिजनेस फिर से अपनी पटरी पर लौटते नज़र आए हैं। इसकी वजह से बेस मेटल्स का जो बाज़ार है वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे बेस मेटल्स की जो मांग है वो निकल के सामने आ रही है, जिसकी वजह से हमने आज यहाँ पर बेस मेटल्स के बाज़ार में एक हल्की बढ़त बनते हुए देखी है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में आज हमने मुनाफा वसूली बनती हुई देखी, 4% की प्रॉफिट बुकिंग आज नेचुरल गैस में बनती नज़र आई है ऊपरी स्तर से। आपको बता दें कि नेचुरल गैस माइल्ड वेदर और दूसरा रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच में ट्रेड कर रही है। जिस दिन जैसे जो सेंटिमेंट बनते हैं वैसे ही नेचुरल गैस रिएक्ट करती नज़र आती है। हाल फिलहाल में नेचुरल गैस में अभी ज़्यादा मंदी की कोई संभावना नहीं बन रही है। नेचुरल गैस के जो प्राइजेज हैं उनमें अभी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही लग रहा है। हल्की फुल्की मंदी आ सकती है लेकिन ज़्यादा मंदी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत में भी LPG और बाकी गैसों के जो दाम हैं जैसे CNG PNG इन सब के जो दाम हैं वो भी लगातार बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, यहाँ सब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज़ की। सबसे पहले एग्री कम्युनिटीज़ में हम शुरुआत करेंगे कैसे सीड से। तो सुबह के कारोबारी सत्र में तो हमने कैसे सीड को 7600 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखा था। अब देख रहे हैं कि कैसे सीड का मई वायदा 7500 के ऊपर है और जून वायदा 7600 के ऊपर ही सस्टेन है। आपको बता दें कि कैसे के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग ही हैं। हमारे एक्सपर्ट जितने भी हैं उन्होंने भी कैसे सीड पर पहले ही बता दिया था मार्केट टाइम CV के माध्यम से कि कैसे सीड में फिर से निचले स्तर से खरीदारी लौटेगी। कैसे सीड के जो प्राइजेज हैं उनमें फिर से अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी और फंडामेंटल साइड से भी कैस्टर सीड काफ़ी मजबूत है। कैस्टर में भी आपको बता दें कि कैस्टर का जो इस बार उत्पादन है कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सप्लाई पाइप जो पाइपलाइन है कैस्टर की वो भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो अपवर्ड मोमेंटम के साथ ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं वायदा बाज़ार NCDX पर। और दूसरा हाजिर में भी जो कीमतें हैं कैस्टर की ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं और अच्छी तेजी तब आएगी जब चाइना लॉकडाउन से लौटेगा और कैस्टर ऑयल की डिमांड चाइना की तरफ से निकलेगी। जैसे ही चाइना की तरफ से भारतीय कैस्टर ऑयल की डिमांड निकलती है तो कैस्टर के जो प्राइसेज हैं उनमें जोरदार तेजी देखने को मिलेगी और जो कैस्टर इस समय 7500-7600 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है जानकारों के अनुसार वो आने वाले समय में 8000 या उसके भी पार जाता नज़र आ सकता है। कैस्टर सीड के बाद बात करेंगे यहाँ से अब बिनौला खल की। बिनौला खल में देख रहे हैं जो प्राइसेस हैं निचले स्तर पर देखने को मिले हैं 2775 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। बिनौला खल 3400 तक तो ऊपर ट्रेड करता नज़र आया था कुछ महीना पहले लेकिन फिर वहां से नीचे गिरते गिरते अब 2700 के लेवल्स पर आ गया है। आपको बता दें कि बिनौला खल में वायदा बाज़ार में कुछ ज़्यादा खास तेजी नहीं रह गई है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिनौला खल में आने वाले समय में हल्की फुल्की कुछ बढ़त एक बार फिर से बनती नज़र आ सकती है, क्योंकि जो दूध का उत्पादन है इस बार कम देखा जा रहा है और बिनौला खाली एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाता है। दूसरा चारे की जो कीमतें हैं उनमें तेजी है, अनाजों में तेजी है, तो इन सब के चलते बिनौला खल का जो फंडामेंटल साइड है वो तो तेज है लेकिन और तेज रहने की वजह फंडामेंटल्स अच्छे रहने की वजह से हाजिर में बिनौला खल की जो प्राइसेस हैं वो अच्छी भी हैं लेकिन हाजिर में इतनी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वायदा बाज़ार में इतनी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही है और इसी वजह से वायदा बाज़ार में बिनौला खल में एक नरमी देखने को मिली है। बात करेंगे यहाँ से अब M6 कॉटन की। तो M6 कॉटन देख रहे हैं कि अच्छी खासी ठीक ठाक तेजी के साथ ट्रेड करती नज़र आई थी सुबह के कारोबारी सत्र में। 49,000 की रेंज में ट्रेड कर रही थी 50,000 से नीचे जाने के बाद। अभी भी देख रहे हैं 49,000 की रेंज में है। मई वायदा 49,000 पर है और कॉटन का जून वायदा 48,930 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। कॉटन में देख रहे हैं कि आज ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनी है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। भारत में कॉटन की जो बुआई है ज़्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों को कपास के जो अच्छे दाम मिले थे तो उसकी वजह से किसान ज़्यादा कपास बुआई करने का मन बना सकते हैं, जिससे भारत में कपास का जो रकबा है वो बढ़ेगा और जो उत्पादन है वो भी। लेकिन
वेदर कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि पिछली बार भी कपास का जो उत्पादन 2021-22 में ज़्यादा बताया जा रहा था, फिर घटते 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 और मानसून और पिंक बॉलवर्म आर्मी का प्रकोप होते होते कपास की जो फसल थी बेतहाशा बर्बाद हुई थी। तो अगर इस बार भी ऐसा हो गया तो ज़्यादा बुआई के आंकड़ों के बावजूद भी कॉटन की जो प्राइजेज हैं उनमें तेज़ी रहेगी। और दूसरा, विदेशों की बात करें तो विदेशों में भी, जैसे अमेरिका में टेक्सास हो गया, चाइना हो गया, तो बाकी देशों में भी कॉटन का जो उत्पादन है वो थोड़ा प्रभावित हुआ है वेदर कंडीशन के चलते। तो इसकी वजह से कॉटन के जो प्राइजेज हैं उनमें लगातार तेज़ी बनी रहेगी। बात करेंगे यहाँ से अब ग्वार सेक्टर की। तो हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का जून वायदा 11,600 के ऊपर है, ग्वार सीड का जून वायदा 5,900 के ऊपर। ग्वार गम ग्वार सीड में देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्राइजेस है थोड़े कूल ऑफ हुए थे, लेकिन फंडामेंटल साइड से ग्वार मजबूत ही है। और अगर ग्वार की बिजाई की बात करें तो इस बार ग्वार की बुआई कम ही बताई जा रही है कि इस बार ग्वार की बुआई कम होगी। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कि जो किसान हैं उन्होंने अपना ग्वार को होल्ड किया हुआ है अभी तक काफ़ी लंबे समय तक, तो इतने लंबे समय तक होल्ड करने का मतलब ये ही है कि किसानों को उनके मन मुताबिक के भाव नहीं मिले हैं और ना ही व्यापारियों को, जिसकी वजह से वो सालों साल से ग्वार को होल्ड करते आ रहे हैं। दूसरा, ग्वार को छोड़ दें तो तिलहन हो गई, कपास हो गई, काफ़ी सारी ऐसी फसलें हैं अभी भी जो ग्वार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुनाफा दे रही हैं, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही हैं। तो जो किसान हैं और जो व्यापारी हैं वो उन फसलों की ओर शिफ्ट होते नज़र आएंगे, तो इसलिए ग्वार का जो उत्पादन है इस बार थोड़ा कम ही रह सकता है। फंडामेंटल साइड से मजबूत है, लेकिन ग्वार का जो उत्पाद जो बुआई होगी इस बार थोड़ी कम भी रह सकती है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, किसानों ने मन बनाया था बुआई करने का, लेकिन मुख्य उत्पादक राज्यों में बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था कुछ राज्यों में, जिसकी वजह से ग्वार की जो बुआई थी ढंग से नहीं हुई थी, फसलें प्रभावित हुई थी। ओवरऑल ट्रेंड ग्वार गम ग्वार सीड में पॉजिटिव ही है, लंबी अवधि में ग्वार की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। मसालों की बात करें तो मसालों में देख रहे हैं जो प्राइजेस हैं अपने सपोर्ट लेवल्स पर ही देखने को मिल रहे हैं। धनिया 11,400 पर है, जीरा 21,700 पर है, और जो हल्दी है 8,132 के ऊपर। तो मसाले जो हैं सपोर्ट लेवल्स पर ही हैं। अब मसालों में फंडामेंटल तेज रहने के बावजूद तेजी क्यों नहीं आ रही है, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि महंगाई दर बढ़ा है, जिसकी वजह से हर एक कम्युनिटी के दाम बढ़े हैं। इसका असर मसालों पर भी पड़ा, मसालों के भी प्राइसेस बढ़े हैं। और जब किसी भी चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं तो ऊपरी स्तरों पर खरीदारी करने से हर कोई हिचकिचाता है, हर कोई चाहता है, हर व्यापारी हर किसान चाहता है कि उसकी जो खरीदारी है वो निचले स्तर पर हो। निचले स्तर पर खरीद कर महंगे दामों में बेचना सब यही चाहते हैं। विदेशों में भी स्पाइसेस के जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हैं, इसकी वजह से वहाँ से भी जो ऑर्डर्स हैं इतने देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट डिमांड ठीक ठाक है, लेकिन इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है ऊँची कीमतें रहने के चलते। दूसरा, अभी मंडियों में आवकें भी ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं, सप्लाई अच्छी खासी हो रही है, हालांकि जो उत्पादन है कम रहने का ये अनुमान है धनिया और जीरे में, क्योंकि बुआई का रकबा कम हुआ है। तो ऐसे में अभी हाल फिलहाल में जो सप्लाईज हैं मंडियों में अराइवल्स हो रही हैं, ठीक ठाक हो रही हैं, इसी के वजह से जो मसाले हैं उनके जो प्राइजेज हैं उनमें अभी हाल फिलहाल में एक नरमी देखने को मिली है, अपनी जो सपोर्ट लेवल्स पर ही ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि जीरे के जो एक्सपोर्ट हैं फरवरी 2022 में साल दर साल पर 23.6% कम हुए हैं और 14,000 टन का एक्सपोर्ट देखने को मिला है। वहीं धनिये में भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ज़्यादा कीमतें रहने के चलते, ऊंची कीमतें रहने के चलते जो प्रोसेसर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार ही खरीदारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण अभी हाल फिलहाल में यही नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर जो ट्रेंड है लंबी अवधि में पॉजिटिव ही है, और हल्दी का भी ट्रेंड जो है वो भी पॉजिटिव ही है। बात करेंगे यहाँ से अब खाद्य तेलों की। तो खाद्य तेलों में सबसे पहले बात करें अगर अब कच्चे पाम तेल की,
तो कच्चे पाम तेल को लेकर बड़ी खबर आई थी, जो हमने आपके साथ साझा भी करी, कि इंडोनेशिया पाम तेल के ऊपर जो इंडोनेशिया ने बैन लगाया हुआ है, इंडोनेशिया अब उसको हटा देगा, सोमवार इसी सोमवार से हटा देगा। लेकिन क्या इसके बाद तेजी आएगी या फिर मंदी, ये डिस्कस करते हैं। आपको बता दें कि ब्लैक सी की रशिया यूक्रेन का युद्ध जब से चालू हुआ है तो ब्लैक सी पर आवाजाही बंद हो गई है। तो ऐसे में सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया भर के जो कंटेनर्स हैं, जो शिपमेंट्स हैं, वो फंसे हुए हैं। तो जैसे जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की जो स्थिति सुधरेगी आने वाले कुछ महीनों में, तब वैसे वैसे ही जो ब्लैक सी से आवाजाही है वो सुधरनी शुरू हो जाएगी। तो जो शिपमेंट जैसे पहले होती थी युद्ध से पहले, जब वैसी रेगुलर बेसिस पे होने लग जाएगी, फ्लुएंसी हो जाएगी, फ्लो बन जाएगा, वैसे ही जो प्राइजेज हैं उनमें नरमी आनी शुरू हो जाएगी। और अभी हाल फिलहाल में जो इंडोनेशिया के किसान हैं, उन्होंने भी राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हड़ताल की थी, क्योंकि जिस हिसाब से इंडोनेशिया सरकार ने पाम तेल के निर्यात पर बैन लगाया था, तो उससे यही साफ था कि इंडोनेशिया की सरकार नहीं चाहती कि उनके देश में खाने के तेल की किल्लत हो। लेकिन एक्सपोर्ट रोकने की वजह से वहां पर इसका जो स्टॉक था वो ओवर हो गया, यानी कि ज्यादा बढ़ गया। इतना ज्यादा बढ़ गया कि व्यापारियों ने किसानों से पाम की खरीद ही बंद कर दी, जिसकी वजह से किसानों को हड़ताल करनी पड़ी। और इसी के मद्देनजर अपने किसानों के हित में इंडोनेशिया सरकार ने बैन हटाने का फैसला किया। लेकिन इस पर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं और जो सूत्र हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि अगर इतना ही स्टॉक ओवर है वहाँ पर, तो वहाँ पर कीमतें तेज क्यों हैं? और अगर कीमतें तेज हैं, अभी भी हैं, तो इंडोनेशिया सरकार इसके लिए क्या करेगी? और क्या भारत सरकार इतनी ऊंची कीमतों पर आयात करने के लिए राजी होगी? क्योंकि भारत में खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं वो पहले से ही तेज हैं। इस समय इंडिया में खाद्य रिफाइंड की बात करें तो रिफाइंड एक लीटर 160, 170, 180 रुपए लीटर ऐसी चल रहा है। अब ऐसे में जो इंडोनेशिया है वहीं पर अगर यही रेट है हुआ, तो इंपोर्ट होते होते भी जो प्राइजेज हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या भारत सरकार को फ़ायदा होगा इससे? ये भी सोचने वाली बात है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडोनेशिया से जो निर्यात हटने के बावजूद भी खाद्य तेलों की मंदी तेजी को लेकर असमंजस में डाल देते हैं। सरकार पूरी पूरी मेहनत करती है कि खाद्य तेलों की कीमतों को काबू में लाया जा सके, लेकिन फैक्टर्स ऐसे क्रिएट हो चुके हैं जो कि सरकार के भी अभी हाल फिलहाल में वश में नहीं है, क्योंकि सरकार अपने देश की कीमतों को काबू में कर सकती है, विदेशों की कीमतों को नहीं। इसलिए इंडोनेशिया में अभी भी जो कीमतें हैं वो तेजी देखने को मिली हैं। और दूसरा, सरकार ने ऐसी भी, जब से इंडोनेशिया सरकार ने बोला है कि सोमवार से जो पाम तेल का जो निर्यात है उसके बैन से उसका बैन हटा देगी, तब से लेकर अभी तक मार्केट में ऐसी चर्चाएं नहीं हुई है, ना ही भारत सरकार ने ऐसा कोई समझौता किया है, ना ही ऐसी खबरें निकल के सामने आई है, ना कोई नोटिफिकेशन है कि जो भारत सरकार है वो इंडोनेशिया से फिर से खरीदारी करेगी और बड़े पैमाने पर खरीदारी करेगी। हालांकि भारत सबसे ज़्यादा खाने के तेल में पाम तेल का इस्तेमाल करता है, वो भी इंडोनेशिया से ही आता है, लेकिन अभी तक ऐसी हाल फिलहाल में कोई खबर निकल के सामने नहीं आई है। बात करेंगे यहाँ से अब गेहूँ की। तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तो रोक लगाई दी है, जिसकी वजह से जो किसान और व्यापारी हैं अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। व्यापारी इसलिए परेशान हैं क्योंकि व्यापारियों ने किसानों से MSP से ज़्यादा पैसे देकर उनसे गेहूं की खरीद की थी, जिससे कि वो ज़्यादा दामों में एक्सपोर्ट कर सके। किसान इसलिए परेशान है क्योंकि उनके पास जो अब बचा हुआ स्टॉक है, जो किसानों ने ज़्यादा कीमतें मिलने के चलते स्टॉक करके रखा था, अब उसकी जो दाम है वो MSP या उससे भी नीचे जा सकते हैं। आपको बता दें कि रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से जो गेहूं की जो सप्लाई है पूरे विश्व भर में वो बाधित हुई थी, जिसकी वजह से सभी देशों ने भारत की ओर रुख किया था। भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट भी हुआ, व्यापारी किसान सभी लोग बेच रहे थे अपना गेहूं, सरकार ने भी प्रोत्साहित किया था। लेकिन अब व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने पहले प्रोत्साहित किया और बाद में फिर सरकार ने खुद ही इस पर बैन लगा दिया। ऐसे में व्यापारियों में काफ़ी निराशा है और किसानों में भी। किसानों का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है, वहीं व्यापारियों का कहना है कि अब उनका क्या होगा, उन्होंने जो अपना गेहूं महंगे दामों पर खरीदा था। और यही कारण है कि अब गेहूं की जो प्राइसेज हैं
वो नीचे जाने के बावजूद भी आटे के जो दाम हैं वो लगातार बढ़े रहे मिलेंगे, क्योंकि जब मिलरों ने महंगे दामों पर गेहूं की खरीद की है तो वो सस्ता आटा नहीं बेचेंगे, आटे के जो दाम हैं वो उतने ही बढ़े रहेंगे जिस अनुपात में उन्होंने खरीदारी की थी गेहूं की। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर जानकारों की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।